नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे डोडो टेक्निकल चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक दूसरा फ़ोन का रिव्यू जल्दी लेके आऊँगा, तो मैं लेके आया हूँ आज रियलमी C11 का रिव्यू, जिसमें मैं बताने वाला हूँ इसका बैटरी के बारे में, इसका परफॉर्मेंस के बारे में, इसके प्रोसेसर के बारे में, इसके डिस्प्ले के बारे में, इसके फुल रिव्यू और इसके बॉडी के बारे में। लेकिन जब ये लॉन्च होगा तो इसमें क्या क्या आपको बैंक ऑफर्स मिलेंगे और कैसे इसका परचेस भी कर सकते हैं और एवरीथिंग, मतलब कि जो भी है इस फ़ोन में पूरा कंप्लीट डिटेल मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, रियलमी ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम है रियलमी C11, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा। और इसका रैम 2GB है और स्टोरेज 32GB है। तो मेरे हिसाब से इस फ़ोन का प्राइसिंग के हिसाब से 2GB रैम सफिशियंट है, क्योंकि ये फ़ोन एक हाई यूसेज के लिए नहीं बनाया गया है, इसे एक नॉर्मल यूसेज के लिए बनाया गया है, बस इतने ही के लिए। तो इतने के लिए तो ये फ़ोन बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है आने वाले समय में। तो मैं इससे पहले सबसे पहले कुछ बताने से पहले इसको पहले आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, आपको दिख रहा होगा कि इसका पूरा बॉडी जो है बहुत बेहतरीन लग रहा है। साइड में आपको दिख रहा होगा, चलिए जूम करके दिखाते हैं। साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक वॉल्यूम रॉकर बटन, उसके जस्ट नीचे पावर ऑफ एंड अनलॉक बटन है, और अपोजिट साइड अगर आप फ़ोन की जाएगा तो वहाँ पे सिम लगाने का जगह है। और बैक साइड का अगर हम व्यू के बात करें तो बैक साइड का जो कैमरा सेटअप है वो बहुत बेहतरीन और बहुत प्रीमियम लुक लगता है। और बैक में एक AI कैमरा सेटअप है जो बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे होंगे बैक का डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, और नीचे में तो रियलमी का ब्रांडिंग जो बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास रिच ग्रे कलर में ये फ़ोन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन बहुत अच्छा है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि इसमें आप 256GB तक आप मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा बात है। और 32GB तो फिर इसमें पहले से दिया हुआ ही है, 1 ईयर का वारंटी के साथ आता है ये फ़ोन, और 6 मंथ का एक्सेसरीज में इसको वारंटी मिलता है। और अब मैं बताता हूँ इस फ़ोन के बारे में। इस फ़ोन में दिया हुआ है बैक साइड में 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि इस प्राइस रेंज में जो यहाँ पे मैं ऊपर में शो कर रहा हूँ 7499, इस प्राइस रेंज में सफिशियंट है। और ये फ़ोन, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये फ़ोन ज़्यादा ओवर यूज़ करने के लिए नहीं है, ये फ़ोन नॉर्मल है और नॉर्मल बजट फ़ोन है। तो ये फ़ोन अगर फ़ोन जिसे ज़्यादा काम नहीं होता है, जिसे गेमिंग वेमिंग नहीं करना है, जो सिर्फ डेली लाइफ में हल्का फुल्का यूज़ करना चाहते हैं और जिसे बैटरी ज़्यादा चाहिए, तो वो इस फ़ोन को ज़रूर परचेस करें। मेरे हिसाब से बस यही मैं रिकमेंड करूँगा, और इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो मेन हाईलाइट है वो इसका बैटरी है। इसमें दिया गया है 5000 mAh का बैटरी, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो भी इसे यूज़ करेगा वो बहुत है, मतलब अब दिन भर में इसे ख़त्म नहीं कर पाइएगा। तो फिर 5000 mAh बैटरी दिया गया, तो अब इसे और चीज़ क्या चाहिए। डिस्प्ले क्वालिटी तो फिर तो मैंने आपको दिखाई दिया, वो कितना क्लासी लगता है एकदम देखने में, और इतना प्रीमियम सा डिज़ाइन रियलमी की तरफ से बना हुआ, तो बहुत बेहतरीन फ़ोन है। और इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो 6.5 है, वो मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन के साथ आता है। तो जैसे कि मिनी ड्रॉप का मतलब ये हुआ, जो ऊपर में कैमरा दिख रहा है वो मिनी ड्रॉप कहा जाता है, तो बहुत अच्छा बात है। और अब आते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक हेलियो G35 प्रोसेसर, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है ये प्रोसेसर भी, अच्छा है मिड रेंज फ़ोन में यही सब प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। और ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है 22 जुलाई, मतलब 22 जुलाई को ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। तो अगर मेरे कोई भी व्यूअर को अगर ये फ़ोन पसंद आ रहा है और अगर उसका बजट कम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 7000
499 रुपये का, और ये मतलब 7,000 से 8,000 के आपके पास बजट है तो आप ये फ़ोन के पास जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं इसी तरह हर बार की तरह आपके लिए एक्साइटिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।